हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भाई दुनिया में जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो कौन कौन सी दवाइयां देती हैं 9 महीने के दौरान। महिला जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन कौन सी महिलाएं जो दवाइयां यूज़ की जाती हैं वो आपको मैं आज बताऊँगा, तो जो आपके लिए ज़रूरी भी है जानना और जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी किसी भी कंट्री में हो, गायनेकोलॉजिस्ट इन्हीं दवाइयों में से देगी। अब वो ब्रांड दूसरा हो सकता है, ठीक है, तो मैं मॉलिक्यूल्स बताऊंगा आपको। देखो भाई, यहाँ पे कोई भी प्रेग्नेंट जो वेमन है उसके अंदर क्या है भाई, फिटस पल रहा है, बच्चा बन रहा है, मतलब कि 9 महीने तक बच्चा बन के रेडी हो जाएगा। तो बच्चा जो है वो भी इंसान का ही बच्चा है, तो उसके लिए कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम आयरन की। आयरन महिला की बॉडी में होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन बनता है जिससे ब्लड फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब महिला के शरीर में दूसरी जान आती है, फीटस आता है, बच्चा आता है, तो भाई उसको भी ब्लड की ज़रूरत है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए महिला के शरीर में से ब्लड लेने लगता है कौन, बच्चा, प्लेसेंटा। तो महिला के शरीर में खून की कमी हो जाती है, एचबी लेवल गिर जाता है, तो उस कंडीशन में हमको एक्स्ट्रा आयरन देना होता है। तो यहाँ पे आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। आप प्राइवेट के पास जाओगे तो आपको और ऑफर एक्सट्री लिख के दे देगा, तो कोई भी ब्रांड दे सकता है। वो महंगी महंगी टैबलेट्स चलाती हैं आजकल प्राइवेट कंसल्टेंट्स में। तो खैर, यहाँ पे आयरन दिया जाता है जो कि आपकी जो महिला की बॉडी में एचबी का लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि एचबी बच्चे को भी चाहिए, ब्लड जो है बच्चे को भी चाहिए। तो ब्लड की कमी ना है, 9 महीने तक आयरन चलता है, ठीक है। उसके साथ में फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड एक विटामिन B9 होता है। फॉलिक एसिड क्या होता है कि ये फेरस एस्कॉर्बेट के साथ में आपको मिल जाएगा, और फॉरेक्सी टैबलेट में, और फॉरेक्सी टैबलेट आती है उसके साथ में फेरस एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कि आयरन जिससे बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि दोस्तों, सिर्फ आयरन कुछ नहीं होता, फेरस एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फेरस सल्फेट हो सकता है, वो आयरन ही कहलाता है। तो यहाँ पे फॉलिक एसिड उसके साथ में मिलता है, ठीक है। अब ये जो आयरन की टैबलेट्स होती हैं दोस्तों, ये रात में दी जाती है महिलाओं को, पूरे 9 महीने तक रात में एक टैबलेट लेना होती है, ठीक है। और इसमें आयरन जो होता है दोस्तों 100 मिलीग्राम होता है, तो ये डेली महिला को चलता है। सो अभी बात करेंगे कैल्शियम की, कि भाई बच्चा जो है उसकी हड्डियाँ भी बन रही होती हैं, तो उसको चाहिए क्या, हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए, उसके दांत नाखून और हड्डियाँ बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो वो क्या करता है, महिला की बॉडी से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। तो जब महिला की बॉडी से कैल्शियम लिया जाएगा तो महिला की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, फिर उसको दिक्कत आएगी बाद में। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर उसको उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, उसकी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, उसके दांतों को मजबूत करने के लिए, बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भी हमको कैल्शियम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैल्शियम दिया जाता है। तो भैया कैल्शियम विटामिन D3 के साथ में दे देते हैं। तो कैल्शियम में कौन सा आप ले सकते हैं, महिला के लिए कोई भी लिख सकता है डॉक्टर, कुछ भी ब्रांड। तो यहाँ पर शेलकॉल आपको देखने को मिलेगा, शेलकॉल के अंदर कैल्शियम होता है, क्योंकि इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तो बॉडी में पहुँचना ही चाहिए, कम से कम, उससे ऊपर आप कितना भी दे सकते हो। सो यहाँ पर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तो महिला के बॉडी में पहुँचना चाहिए, जो कि महिला को दोपहर में एक गोली खाना रहती है कैल्शियम की, ठीक है। तो उसके साथ में विटामिन D3 भी होता है, तो वो विटामिन D3 जो होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्शियम गया, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम बाहर भी निकल जाएगा, तो विटामिन D3 जो होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो जिससे क्या होता है, बच्चा हेल्दी पैदा होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों, विटामिन्स। भाई कई बार क्या होता है कि महिला जो डाइट लेती है 9 महीने तक, उसमें इतना सब कुछ नहीं हो पाता है कि सारे मल्टीविटामिन हों। तो यहाँ पे कोई भी मल्टीविटामिन लिख सकता है गायनेकोलॉजिस्ट, चाहे वो बीकासूर हो, बेप्लेक्स फोर्ट हो, कोई भी, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, सब कुछ हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो, ऐसा कोई मल्टीविटामिन उसको सुबह शाम देना रहता है। तो कोई भी मल्टीविटामिन वो लिख सकते हैं, 1 BD में एक गोली सुबह शाम। दोस्तों टोटल हो गई हैं 3 गोलियाँ, आयरन फॉलिक एसिड जो कि रात में चलता है, कैल्शियम विटामिन D3 जो दोपहर में चलता है, और एक होता है मल्टीविटामिन जो कि सुबह शाम चलेगा। इनके अलावा भी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कंडीशन को देख के यहाँ पर सस्टेन टैबलेट भी लिख सकता है, ज़रूरी भी नहीं है सस्टेन खाना यहाँ, बट सस्टेन के बारे में बता दूँ, प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये टैबलेट के अंदर, काफ़ी महंगी आती है, 200 रुपये की, लगभग 250 रुपये की आती है 10 गोली। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं सस्टेन, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है। अब प्रोजेस्टेरोन कहाँ यूज़ होता है, ये एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के यूज़ में करते हैं,
कई महिलाओं के अंदर बाचपन होता है, मतलब इनफर्टिलिटी होती है, उनको देते हैं। महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स इरेगुलर हो गए तब देते हैं सस्टेन टेबलेट कि भाई पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। लेकिन यहाँ प्रेगनेंसी में भी दे सकती है गायनेकोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी में क्यों देंगे, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती हैं वो थिक रहे, मतलब कि मजबूत रहें। एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंदर की जो लाइन होती हैं उनको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, तो उनको उनकी थिकनेस के लिए यहाँ पे सस्टेन टेबलेट भी चला सकता है गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, 2 महीने 3 महीने। इनके अलावा कोई भी ऐसी तीसरी दवा नहीं होती जो डॉक्टर दे। तो टोटल 4 हैं दोस्तों, एक हार्मोनल पिल होती है और जो है मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सभी को दिया जाता है। अब अलग अलग डॉक्टर अलग अलग ब्रांड यूज़ करता है, दुनिया भर के टेस्ट लिखता है, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ये सब लिखता है, और 9 महीने तक आपको ये खाना रहता है। और उसके अलावा भी कई बार क्या होता है, ब्लड अगर कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून नहीं बढ़ पा रहा है, कोशिश कर लिए भैया आयरन दे दे के, तो वहाँ पे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी चढ़ा दिया जाता है महिला को, 2 या 3 बोतल आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की चढ़ा दी जाती हैं। तो यही होता है दोस्तों पूरा कंप्लीट 9 महीने का ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।